क्लास 12 मैथ में एक बार फिर मैं सुनील सर आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। आज हम लोग 11.3 का वीडियो नंबर 4 पढ़ेंगे। वीडियो नंबर 3 तक हम लोगों ने इसमें अध्ययन कर चुका है। 4 नंबर में आइए, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कटाई के निम्नलिखित प्रश्नों में ज्ञात कीजिए कि क्या दिए गए समतल के युग्म समांतर हैं अथवा लंबवत हैं, और उस स्थिति में जब ये न तो समांतर और न ही लंबवत हो तो इनके बीच का कोण ज्ञात करिए। माने आपको ये सवाल ये कह रहा है कि आपको ज्ञात करना है कि जो ये सवालें दी गई है, क्या ये समांतर हैं, क्या ये लंबवत है, या समांतर या लंबवत दोनों में से कोई नहीं है। एक चीज़ मैं बता दूं कि जब आप हल करेंगे और हल करने के बाद अगर समांतर की जांच कैसे करेंगे तो आपको याद होगा कि समांतर जांच करने के लिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 का प्रयोग करते हैं हम लोग। और अगर लंबवत जांच करना है तो a1/a2 b1 तो चलिए सवाल ये फर्स्ट है। देखिए आप इस सवाल से ही पता चलता है कि इस सवाल में कैसे होगा। चलिए सवाल में आप जो सबसे पहला समीकरण देख रहे हैं 2x-2y+4j=+5/0, इसकी तुलना आप a1x b1 y c1 z+d1 से कर देंगे। और जो जब आप तुलना करेंगे तो आप देख रहे हैं कि a1 b1 c1 और d1 का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। देख ही रहे हैं, तो जब तुलना आप करेंगे तो देखिए यहाँ से a1 का मान b1 का मान और समीकरण जो 2 होगा उसका तुलना, जो ये तो 1 की तुलना हो जाएगी, 2 की तुलना a2x b2y+c2z+d=0 से हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो अब जो तुलना करेंगे तो देखिए आपको मान निकल जाएगा। अब यहाँ से समांतर होगा, देखिए मैं आपको पहले ही कहा जो समांतर होगा तो इसके लिए जो आप लिखेंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2 और अगर लंबवत जब कहेगा, जैसे देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर a1 a2+b1b2+c1c2 = 0 रखेंगे। ये बातें होती है और इस तरीके से हम लोग एक बार और समझ लीजिए कि जब जब भी समांतर की बात करेगा तो समांतर के लिए जो बातें आपकी रहेगी वह a1 a1/a2 b1/b2 = c1/c2 और जब बात लंब की करेगा तो इसके लिए जो आप यूज करेंगे उसका नाम होगा कि जब कहेगा लंबवत तो a1 a2+b1b2+c1c2 = 0। ये कुछ बातें होती है और अगर इस तरीके से इसका मान आता है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये रेखा लंबवत है। और इस सवाल में ये भी कह रहा है कि अगर लंबवत हो गई, चाहे आपकी समांतर हो गई, तो आप सीधे कहेंगे कि इसका कोण नहीं निकल सकता है। जब लंबवत और समांतर दोनों में से कोई नहीं आएगा तब आप इसका कोण को निकालेंगे। तो ये बात भी आपको जानकारी रखना चाहिए कि जब दोनों में से कोई नहीं आएगा तब हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हल करते हैं इसको हम लोग। तो तुलना करके मान को रख दीजिए यहाँ पर, देखिए रखते हैं। ये सवाल है, आप देखिए समांतर नहीं है क्योंकि 7/3 है, -5/1 है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि जब a1 का मान आप यहाँ से निकालेंगे तो a1 का मान 7 हो जाएगा, b1 का मान, c1 का मान 6, d1 का मान 30, a2 का मान 3, b2 का मान -1, c2 का मान -10 और d2 का मान 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ से एक चीज़ ज़रूर बता दीजिएगा कि क्या क्या बराबर नहीं होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि a1/b1 यहाँ से 7/3 ये सब कोई बराबर नहीं है, समांतर नहीं है, ठीक है। अब दूसरे का लंब देख लेते हैं ना, तो a1 a2+b1b2+c1c2 इसका मान निकाल के देखते हैं कि समांतर आता है कि नहीं। चलिए तो देख लेते हैं, और 7/3, 5/-1 जो मान है ना, अरे a1 a2 b1 b2 c1 c2 रख दीजिए। देखिए आपका कितना आ गया, आप -65 है ना, मैं से 21 घटा दीजिए तो 5 में से 1 जाएगा 4 और 6 में 2 जाएगा 4 -44, ये 0 के बराबर नहीं है, अतः ये लंबवत भी नहीं है। जब दोनों में से कोई नहीं है, यानी समांतर भी नहीं है लंबवत भी नहीं है, तब हम लोग कोण निकालेंगे। तो cos थीटा बराबर याद करें a1 a2+b1b2+c1c2 ये सब रहेगा। तो यहाँ पर 7/3 + 5/6 = 10
उसके बाद से नीचे यहाँ पर 7 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और कड़ी में 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर 21 + 5 6 और ये नीचे आपका रहेगा और हल कर देंगे तो -2/5 आ जाएगा। समझ गए? तो -2/5 आ गया, लेकिन -2/5 कास में किसी का होता नहीं, थीटा बराबर कॉस भी था, कब इन्वर्स हो जाएंगे, कॉस पे इन्वर्स -2/5 हो जाएगा। अब भी है दिए गए समतल 2x + y + 3z - 2 = 0 है, तो ये सवाल आपका है। और इस तरीके से दो समीकरण दिया गया, समतल का समांतर नहीं है, क्योंकि आप निकाल कर देखिए 2/1 इसके मान तो एक है ना, बराबर नहीं 1/-2 = 3/0 समतल नहीं है, लेकिन समांतर नहीं है, तो आप लंबवत की जांच कर लेते हैं ना, तो a1 a2 + b1 b2 + c1 c2, तो a1 = 2 a2 = 1 + 1 - 2 3 × 0, तो 2 - 2 = 0, तो पूरा 0 आ गया। ये लंबवत है, जब कोई एक आ जाएगा, लंबवत आ जाएगा, समांतर आ जाएगा, तो आप इसका कोण नहीं निकाल सकते, छोड़ दीजिए यहीं पर। चलिए सॉरी तो निशा। अब नेक्स्ट दिए गए समतल है ना, 2x - 2y + 4z + 5 है, तो अरे 3x - 3y + 6z - 1, तो दिए गए समतल जब समांतर होगा तो 2/3 हो जाएगा, -2/-3 कैंसिल, 2/3 इसका, 4/6 इसका भी 2/3, ओ सेम आ गया, देख लीजिए 2/3 - कैंसिल, फिर 2/3 और 4/6 फिर दूसरे काटेंगे 2/3, तो ये समांतर है, देख रहे हैं ना, समांतर है। लंब के लिए 2/3 × 3 × 6 × 3 × 6 = 24, तो ये भी आपका लंबवत भी हो जाएगा। डी नंबर में उसको भी आप हल करके देख लीजिएगा, बराबर है ये भी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है जो आप जितने भी देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल था। आप लंबवत को जांच करने के लिए a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 का प्रयोग करेंगे। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से कोण भी निकालना होगा तो निकाल सकते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, तो 14 नंबर क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 आपके पास है, कहता है कि निम्न प्रश्नों में प्रत्येक के दिए गए संगत समतलों की दूरी ज्ञात करना है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सवाल आपका है, दूरी निकालना है। एक तो पहला देख रहे हैं 0 0 0 और समतल में दिया है 3x - 4y + 12z = 3, भी देख रहे हैं 3 - 2 और 1 दिया है, और यहाँ पर 2x - y + 2z + 3 = 0, सी देख रहे हैं 2 3 - 5 है x + 2y - 2z = 9, ये सवाल आपका दिया गया है। अच्छा, तो एक चीज़ सबसे पहले आखिर सूत्र कौन सा यूज करेंगे, किस सूत्र के प्रयोग से आप लगाएंगे। तो पहले आप बिंदु देख रहे हैं, एक एक्स दिया, एक वाई दिया, एक जेड और समतल का समीकरण अगर दिया हो इतना, तो समतल का समीकरण डी है इंगान ax by c z - d = a² b² c² और एक्स वाई जेड बिंदु है। तो आपके क्वेश्चन में देखिए यही सूत्र होता है दूरी निकालने के लिए, ax + by + c z - d को इधर करेंगे -d और कर्णी में a² b² c² ये बहुत ही सिंपल सी बात होती है और इससे आप बता सकते हैं, लगा सकते हैं। आइए बाबू तेन देख लेते हैं कैसे आप इसको हल करके, बिंदु है ना इतना हाई दिख 3 × देख रहे हैं ना 0 - 4 × 0 और वाई मान 0 है 12 × 0 और -3 इधर करेंगे तो अनिच्छा वहाँ जो नहीं बन 3 के स्क्वायर - 4 के स्क्वायर - 12 के स्क्वायर 3/160 हो जाए 0 0 0 0 खाली 3 बचेगा ना, प्लस में लिखिएगा दूरी कोई माइनस में नहीं होता है 3/169 तो 13 निकल जाएगा 3/13 आ जाए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ना, सिर्फ इस सूत्र को जानकारी रखना है, पूरे सवालों में आपको लगा देना है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट बी पर चलते हैं, और बी नंबर कहता है 3 - 2x से समतल 2x - y + 2z + 3 = 0 की दूरी निकालना। ऐसे नहीं जाता है कि 3 × 6 हो जाएगा, बस मान रखिए आपका, देखिए कैसे आंसर होता है आपको मैं बताता हूँ। देखिए हल करने के लिए यहाँ पर 2 × 3 + -2 × 1 ये आपका है पूरा रख देंगे, 6 + 2 + 2 + 3 = 10 + 3 = 13 + 13 = 9 = 3 निकल जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं सी नंबर पर, 2 3 - 5 से समतल x + 2y - 2z = 9 की दूरी निकालना है। तो x का मान आप देखिए यहाँ पर एक
इसके साथ एक है ना, एक गुणे दो लिख दीजिए, प्लस दो गुणे तीन लिख दीजिए, प्लस माइनस दो गुणे माइनस पाँच लिख दिए, माइनस नौ इधर करेंगे तो माइनस नौ हो जाएगा, फिर एक स्क्वायर दो के स्क्वायर, तो यहाँ पर दो से गुणा दो, तीन दुना छः, और यहाँ पर दस, ये माइनस नौ, एक का स्क्वायर दो का स्क्वायर कल में नौ और तीन निकल जाएगा, तो फिर ऊपर जब छः दो आठ दस अठारह में से नौ हो जाएगा, नौ बटा नौ है तो तीन निकल जाएगा, हालांकि तीन से नौ कट जाएगा तीन बार, तीन मात्रा का आ जाएगा। उसके बाद से आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर डी नंबर, तो ये भी बहुत ही खूबसूरत सवाल है। देखिए इसमें जितने सवाल आप देख रहे हैं ना, सिर्फ आपको डिस्टेंस निकालना, जो दूरी पूछ रहा है वो दूरी हम लोग को निकाल देना है। तो इसके दूरी भी आप निकाल सकते हैं, जिसके लिए आप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड और प्लस डी बटा में कर्णी में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो आप देखिए बिंदु दिया है, माने छः जीरो जीरो, दो एक्स माइनस तीन वाई, छः जेड माइनस दो बराबर जीरो, रख दीजिए यहाँ पर दो गुणे माइनस छः प्लस माइनस तीन गुणे जीरो, छः गुणे जीरो माइनस दो, दो का स्क्वायर माइनस तीन के स्क्वायर छः के स्क्वायर, तो माइनस बारह है जीरो है ये जीरो, माइनस दो बारह दो चौदह, चौदह बटा उनचास है सात, प्लस के साथ लिखिएगा। चलिए ठीक है, कितना आसान है। तो इस तरीके से आज का ये अभ्यास भी संपन्न होता है जो हम लोग पढ़ रहे थे। आइए अब हम लोग नेक्स्ट अभ्यास पर चलते हैं, और हालांकि नेक्स्ट अभ्यास को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।